हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। नाग पंचमी की भक्तों ये है प्राचीन कथा। किसी गांव में एक सेठ परिवार सहित रहता, सात पुत्र थे सेठ के, हो गया उन सब का ही विवाह। खुशी खुशी से सब कर रहे थे जीवन का निर्वाह। बड़ी सुशील थी सेठ के छोटे पुत्र की पत्नी, चरित्रवान और विदुषी भी थी, नहीं थी कोई कमी। किंतु छोटी बहू का ना था कोई भी भाई। नाग पंचमी फिर एक दिन नजदीक ही है आई। लीपा पोती कर लो घर के सेठ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपनी सब जेठानियों को ये छोटी बहू ने कहा, आ गया है त्योहार तो देखो नाग पंचमी का। घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लाना है, नाग पंचमी का त्योहार भी मिलके मनाना है। नाग पंचमी के त्योहार को सब ही तो माने, खुरपी चली है सातों बहुएं मिट्टी लाने। बड़ी जेठानी ने खुरपी जैसे ही अपनी चलाई, देख के एक सर्प को वो तो बड़ी ही घबराई। आया सर्प सामने पसीने छूट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बड़ी बहू ने फिर तो सर्प को मारना चाहा है, किंतु छोटी बहू ने आकर ये बतलाया है, जो हो निर अपराध उसे ना कभी मारना चाहिए। सर्प का कोई दोष नहीं है बहन, दूर हट जाइए। छोटी बहू तो सर्प के सामने हाथ जोड़ कर आई, करना गलती माफ तुम हो जैसे मेरे भाई। अब तो लिपाई के लिए मिट्टी हम ले कर जाएंगे, बैठ के करना इंतजार हम लौट के आएंगे।
पूजा तेरी नाग देव हम करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। किंतु छोटी बहू ने उससे जो भी कुछ कहा था, घर के काम में व्यस्त हुई और भूल गई वादा। अगले दिन फिर छोटी बहू को बात याद आई, लेकर सब जेठानियों को वो उसी जगह आई। हाथ जोड़ के बोली सर्प से, भैया करना माफ, ऐसे व्यस्त हुई मैं, मुझको नहीं रहा कुछ यार। छोटी बहू से बोला सर्प के, तुमने कहा है भाई, इसीलिए तो बहना तुम पर दया मुझे आई। वरना झूठे लोगों को हम सबक सिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। छोटी बहू तो अपनी गलती पर पछताई है, उस दिन से ही सर्प को उसने मान लिया भाई है। पूजा करके घर को वापस सब ही लौट गई, बड़ी जेठानियों को है उसकी कुछ भी याद नहीं। याद है छोटी बहू को मैंने भाई बनाया है, एक दिन मानो रूप में सर्प वो सेठ के घर आया है। देखते ही अपने भाई को है पहचान गई, किंतु जेठानी बोली भाई तेरा कोई नहीं। भाई तो बहनों के घर में आते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सर्प मैं अब तक तो परदेश में रहता था, करो यकीन हमारा तो है भाई का रिश्ता। अपनी बहन को घर ले जाने मैं तो आया हूँ, दे दो इजाजत इसको साथ में लेकर मैं जाऊं। मान के भाई छोटी बहू को साथ में भेज दिया, छोटी बहू ने आकर उसके घर में फिर देखा। सोना चांदी हीरे मोती घर में भरे हुए थे, छोटी बहू ने इतने रत्न ना एक साथ देखे। राजा भी इतनी दौलत ना कभी रख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये ना
एक दिन सर्प के माता को है कोई काम आया, छोटी बहू को बुलाकर उसने ये है बतलाया, मैं जाती हूँ बाहर तुम एक काम भूल ना जाना, अपने भाई को तो बस है ठंडा दूध पिलाना, किंतु भूल के कारण उसने गर्म दूध है पिलाया, पड़ गए छाले सर्प की माँ को क्रोध बड़ा आया, बहन से हो गई गलती सर्प ने फिर समझाया है, क्रोध शांत फिर उसकी माँ का होने को आया है, देके धन दौलत उसको फिर घर भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, देखा है जेठानियों ने के छोटी बहू आई, कितनी ही धन दौलत अपने साथ में है लाई, लाई कहाँ से फिर तो उससे पूछने लगी है, बोली के जो भाई था मेरा सब उसने दी है, बोली जेठानी उससे तुम भाई को बुलवा लो, एक नौ लखा हार भी अपने भाई से मंगवा लो, छोटी बहू ने किया याद तो भाई आया है, अपने साथ में नौ लखा एक हार भी लाया है, अपनी बहन के गले में हाथों से पहनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। का पति लौट के घर में जब आया, देख के नौ लखा पत्नी के गले में चकराया, बोला ऐसा सुंदर हार तुम कहाँ से हो लाई, छोटी बहू ने बतलाया दे गया है मेरा भाई, हीरे मोती जड़ा हुआ वो हार बड़ा था खास, ऐसा हार तो नगरी में नहीं किसी के पास, धीरे धीरे उसके हार की चर्चा फैल गई, उस नगरी के राजा के भी पास पहुंच गई, हार देखने के लिए राजा पति को बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा एक हार है तेरी पत्नी के पास, सुनी है चर्चा लोगों से वो हार बड़ा है खास, हम भी देखना चाहते हैं उस हार को ले आओ,
इस हार में क्या हमको भी जरा दिखाओ। कहने लगा वो पत्नी से राजा ने हार मंगाया, किंतु उसकी पत्नी ने ना देना है चाहा। हुक्म है अपने राजा का ये पति ने बतलाया, मन ही मन पत्नी ने अपने भाई को है मनाया। मन की बात वो अपनी बहन की समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मांगा बहन ने हार ये जिसके गले में भी जाए, हीरे और मोती के जगह सांप ही बन जाए। लेकर हार पति राजा के पास में है आया, जैसे ही अपनी रानी को उसने पहनाया। बहन ने जैसा मांगा था फिर हुआ है वैसा ही, बन गए हैं वहां सांप जहां थे हीरे और मोती। देख सर्प का हार रानी बड़ी ही घबराई, छोटी बहू के पति ने सारी बातें बतलाई। मेरी पत्नी के गले में ये मोती बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। उसकी बात पे राजा को तो यकीन नहीं आया, उसकी पत्नी को ही है दरबार में बुलवाया। बोला पहनाओ मेरे सामने ये नौलखा हार, झूठी हुई जो बात तुम्हारी पड़ेगी खानी माँ। छोटी बहू को उसका पति बुला कर लाया है, राजा के ही सामने उसको हार पहनाया है। जैसे ही उसकी पत्नी ने हार वो पहना है, उसके गले में आते ही बन गया नौलखा है। देख के अद्भुत हार वो राजा भी हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। खुशी खुशी तुम जाओ घर में राजा ने है कहा, हार तो लौटा दिया साथ में बड़ा इनाम दिया। पति पत्नी फिर अपने घर में वापस आए हैं, पत्नी ने अपने भाई को लिया बुलवाए हैं। बोला उसका भाई पति से ख्याल बहन का रखना, तंग किया तो मुझसे बुरा फिर उसके लिए कुछ ना।
पति पत्नी दोनों ने की है मिलके सर्प की पूजा। तब से बड़ा त्योहार बन गया नाग पंचमी का। आज तलक भी इस त्योहार को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये नाग पंचमी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो भी पंचमी आए, नाग पंचमी नाम से भक्तों वो तो जानी जाए। देव समझ के सर्प को ठंडा दूध पिलाते हैं। सकल मनोरथ भक्तों के तो पूर्ण हो जाते हैं। नाग पंचमी का त्योहार तो जब जब है आए, हंस राज रल हन तो इसको संग परिवार मनाए। डीएस पाल ने कथा ये नाग पंचमी की गाई, फौज सुरेश ने भी माना सब खुशियां है पाई। हर एक श्रावण मास में इसको सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा जो सुनते हैं वो ही व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये नाग पंचमी कथा।